नया चैनल लखनऊ का नवाबी जायका। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन तवा पुलाव। तो जिसके लिए मैंने 750 ग्राम मटन लिया है, बकरे का गोश्त लिया है और उसे एक कुकर में ट्रांसफर कर दिया है अच्छी तरीके से धो के। गैस का फ्लेम मैं ऑन कर दे रही हूँ। अब इस गोश्त में हम डालेंगे 3 से 4 तेज पत्ते और थोड़े से खड़े गरम मसाले, जिसमें देखिए 1/2 चम्मच जीरा है, सफेद वाला जीरा, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3 छोटी इलायची है और 10-12 दाने हमारे पास में काली मिर्च के हैं, 1 बड़ी इलायची है और 4-5 लौंग है, वो हम इसमें डाल देंगे जरा सी खुशबू के लिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने क्रश की हुई हरी मिर्ची ली है, 6 से 7 हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से मैंने चॉपर में क्रश कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप पेस्ट भी इसका डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसमें हम 2 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, मैं इसमें 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, अच्छी तरीके से हम इसको चला देंगे और गोश्त में सब चीज को मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमें एकदम जरा सा पानी डालना है, बहुत थोड़ा सा, खाली गोश्त को हमें टेंडर करना है और बाकी का जो पानी बच जाएगा उसे हमें इसी में खुश्क करना है। तो गोश्त को गलाने भर का हमें इसमें पानी डालना है। तो बकरे का गोश्त है तो 4 से 5 सीटियों में गल जाता है, तो इसमें मैं 50 ml पानी डाल दे रही हूँ। तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसे हम ढक्कन लगा देंगे इसका, कुकर का, और इसमें 5 से 6 सीटियां लगाएंगे और 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। तो सीटियां लगा ली थी मैंने 5-6 इसमें, और 5-10 मिनट के लिए मैंने इसे स्लो फ्लेम पे रख दिया था। अब ये इसमें देखिए काफी सारा पानी है, गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा है, तो अब इसे हमें क्या करना है, पानी को बिल्कुल खुश्क करना है एकदम, और एक बोटी हम निकाल करके देखेंगे दबा करके कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। तो ये पूरा पानी हमें इसमें खुश्क करना है, तो गैस का फ्लेम हाई रखें और पानी को खुश्क कर लें। तो एक बोटी निकाल करके मैंने चेक करी है, देखिए अच्छी तरीके से एकदम टूट रही है, एकदम अलग हो रही है। तो बस हमें इसी तरीके से हड्डी भी अलग हो चुकी है, ये देखिए एकदम आराम से हड्डी अलग हो जा रही है। तो बस इसी तरीके से हमें गोश्त को पकाना है और अब हमें इसका पानी खुश्क करना है। तो देखिए एक बड़ा सा हमने तवा रख दिया है, और जैसे कि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बताया कि हम बना रहे हैं मटन तवा पुलाव, तो तवा तो होना जरूरी है, तो तवा मैंने रख दिया है। इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म होता है इसमें हम डालेंगे थोड़े से खड़े गर्म मसाले। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल दे रहे हैं कुछ खड़े गर्म मसाले, जिसमें से 1 बड़ी इलायची है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है 1.5 इंच का एक टुकड़ा है, और 4-5 लौंग है, 4-5 काली मिर्च के दाने हैं और 2 हरी इलायची है। इसे हम डाल देते हैं इसमें, हल्का सा इसे हम क्रैकल होने देंगे। तो देखिए मसाले हमारे थोड़े से भुन गए हैं, इसमें हम डाल दे रहे हैं 2 छोटे साइज की कटी हुई स्लाइस में प्याज, ये देखिए इस तरीके से स्लाइस में मैंने काटा है, ये देखिए इसे हम डाल दे रहे हैं और इसे हमें गोल्डन होने तक के फ्राई करना है। तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसे बहुत ज्यादा हमें नहीं फ्राई करना है, बस यहीं पर हम रोक देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपना खुश्क किया हुआ, जो हमने पानी सुखा लिया है पूरा गोश्त, वो हम इसमें डाल देते हैं। तो तवे के हिसाब से मैं डालूंगी कि अगर तवा छोटा लगेगा मुझे तो मैं थोड़ा सा गोश्त बचा लूंगी। तो देखिए मैंने इतना गोश्त इसमें डाल दिया है, अब हम इसे अच्छी तरीके से इसमें फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्चें। तो अभी इसमें हम डाल देते हैं
एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, गरम मसाला बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बहुत लाइट सा ही पुलाव बनता है, इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं होते हैं लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत यम्मी लगता है, क्योंकि बकरा ईद के टाइम पे हमारा गोश्त खा करके मन भरा हुआ होता है, तो हम सोचते हैं कुछ हल्का सा हमें खाने के लिए मिले, तो उस टाइम पे आप इस पुलाव को जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो अभी मसालों को भी हम मिक्स कर देते हैं, नमक वगैरह हमें नहीं डालना है क्योंकि हमने गोश्त को बॉईल करने में नमक डाला था, तो इसे हम सब तरफ से मिला देते हैं, अच्छी तरीके से चला देते हैं। तो इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने देखी अपने चैनल पे प्लेन राइस की, पुलाव राइस की रेसिपी पहले से शेयर की हुई है, वो आप देख सकते हैं और उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो और बिरयानी की रेसिपी भी मैंने ये चावल शेयर किया है आपसे कि इसे किस तरीके से बनाना है, तो ये मैंने पहले से बना के रखा है, तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं हम। तो देखिए गोश्त को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है, यहाँ पे आप बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने हड्डी वाला ले लिया है लेकिन बोनलेस लेना चाहिए था, तो आप कोशिश करें कि अगर आपको बोनलेस मिल जाता है तो आप छोटी छोटी गोटियां बोनलेस ले लें। अब इसमें हम डाल देंगे चावल, अब हमें इसे दो चम्मच की मदद से सब तरफ से अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इस तरीके से देखिए उठा करके इस तरीके से, बहुत टेस्टी लगता है पुलाव, यकीन मानिए आप इसे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सब तरफ से हम इसे मिक्स कर देंगे आराम से। तो हमने इसे सब तरफ से अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाले में और गोश्त में, इसमें हम डाल देंगे थोड़े से फ्रेश कटे हुए पुदीना के पत्ते और हरी धनिया के पत्ते और इसे अच्छी तरीके से इसे भी मिक्स कर देंगे। तो चलिए इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। सब चीज हमारी पकी हुई है तो ज्यादा हमें वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये बन जाता है। आपकी आसानी के लिए आप गोश्त को पहले से गला के रख सकते हैं और चावलों को भी पका के रख सकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी में कोई मेहमान भी आ जाए तो आप इसे फटाफट से बना करके उसे खिला सकते हैं और बहुत जल्दी ये पुलाव बन करके तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने सब तरफ से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, एक दो मिनट के लिए इसे हम और पका लेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसे डिश आउट। तो ये देखिए हमारा बहुत ही क्विक सा मटन तवा पुलाव बन करके तैयार है और इंशाल्लाह आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका पुलाव कैसा बना। तो मिलती हूँ कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।